साउथ अफ्रीका के डरबन में 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले ब्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट में शामिल होने भारतीय टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्व स्तरीय टेनिस एकेडमी बनवाने के लिए आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने का प्रयास रहेगा। इस दौरान टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर होरा का स्वागत कर उन्हें तिरंगा सौंपा। ब्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम के मैनेजर गुरुचरण सिंह होरा मानव विमानतल से दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने मैनेजर होरा का गुलदस्ता देकर और हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें तिरंगा भी सौंपा गया। गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय टेनिस अकादमी बनाकर खिलाड़ियों को तोहफा और उन्हें मैनेजर की जिम्मेदारी दी। इसके लिए वे सभी का आभार जताते हैं। भारतीय टीम मजबूती से प्रदर्शन करेगी, खिलाड़ियों के साथ पदक लेकर लौटेंगे। ब्रिक्स टीम को लेके इंडिया की करीब 100 लोगों का सदस्य दल है और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अभी हमने टेनिस कोर्ट का उद्घाटन भी किया कुछ दिन पहले और उसी रूप में मुझे मैनेजर बनाया गया भारत सरकार की ओर से, खेल विभाग की ओर से। मैं टीम लेके जा रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे भारत के साथ। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से मैनेजर चुना गया जो सबको साथ लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में टेनिस कोर्ट का यहाँ बहुत बड़ा 22 करोड़ का टेनिस कोर्ट बन गया और टेनिस की टीम ही लेके मैं जा रहा हूँ। बेसिक टेनिस के लोग मेरे साथ है और बाकी पूरा दल है साथ में। क्या सौगात लेके आएंगे वहाँ से? ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते और ज्यादा से ज्यादा पदक लेके आए, और क्या।